नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनावी दंगल 2022 और मैं हूं आपके साथ सूर्या त्रिपाठी। इस वक्त हम महर्षि वामदेव की तपोस्थली में मौजूद हैं। तमाम वादे दावों के बीच ये जानने की आखिरकार चुनावी दंगल 2022 की टीम कोशिश कर रही है कि आखिरकार प्रदेश कितना बदला है। क्या 5 साल की योगी सरकार में बुंदेलखंड के बांदा जिले का विकास हुआ है या सिर्फ और सिर्फ वादे हुए दावे हुए विकास नहीं हुआ है? क्योंकि बुंदेलखंड ऐसे स्थिति में है कि ना तो राज्य बन सकता है ना राज्य बनाने की स्थिति में है। तमाम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे मेरे साथ हैं, स्थानीय मुद्दों पर बात करने आया हूं और ऐसी स्थिति जो अपने आप में यहां पर क्या बांदा बदल रहा है, क्या बांदा बदला है, इन तमाम मुद्दों और सवालों के बीच हम तमाम लोगों की मौजूदगी मेरे साथ है। जोरदार स्वागत कीजिए बांदा की जनता का, तालियों के साथ मैं स्वागत करता हूं और बांदेव की तपोस्थली है इसलिए तालियां बजती रहे। आपको बता रहे कि यहां पर उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान किया। बांदा जिले में 4वें चरण में 23 फरवरी को चुनाव होना है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि 4वें चरण में उंगली जब बटन पर दबेगी तो आखिरकार बांदा का वोटर क्या कहेगा, क्या इंतजार हमें करना होगा। 10 मार्च का नए मुखिया को चाहते हैं या फिर एक बार योगी सरकार की वापसी चाहते हैं? अखिलेश, प्रियंका, मायावती, इन तमाम नेताओं के बीच लोग यहां की सोच क्या है, उनकी जनता की सोच क्या है, तमाम सवाल हमारे साथ मौजूद है। और तमाम बहुत महत्वपूर्ण लोगों को हमने आमंत्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी है जो बीजेपी का पक्ष रखेंगे, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कांग्रेस से राजेश दीक्षित है, जन जन के नेता यहां पर कहे जा रहे हैं जैसा कि यहां के लोगों ने बताया, और पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस राजेश दीक्षित जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, क्योंकि पार्टी नहीं जबकि जिक्र हो रहा है। और इसलिए बसपा जयराम सिंह तिंदवारी प्रत्याशी है, बहुजन समाज पार्टी से बीएसपी से पक्ष रखेंगे और समाजवादी पार्टी से विजय करण है, जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए विजय करण जी का। और तमाम सवाल के साथ मैं बांदा की धरती पर मौजूद हूं। इस वक्त जो धरती है वो अपने आप में महर्षि वामदेव की तपोस्थली है। तो तमाम सवालों की शुरुआत करते हैं, सीधे सवाल मेरे होंगे और जवाब बांदा की जनता से लेंगे। बहुत बहुत स्वागत पहले तो डॉक्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी आपके पास आएंगे, किन वादों के साथ एक बार फिर से बीजेपी आ रही है? हम इस बार 2022 के महासफर पे वादों के साथ नहीं आएंगे, 2017 से 22 तक किए गए काम के आधार पर आ रहे हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कॉन्फिडेंस है कि हम किए गए काम के आधार पर चुनाव पे जाएंगे। वादे और जुमले तो बाकी दलों को करते हैं, उनसे पूछिएगा, हम काम के आधार पर जाएंगे इस बार। 5 साल में काम हुए समाजवादी पार्टी, 5 साल में काम हुए, एक एक करके समाजवादी पार्टी से विजय करण है। विजय करण जी बहुत बहुत स्वागत, एक एक करके जल्दी से काम किया है, जरा काम बता दें, काम भी अपने बता दें कि कौन सा काम किया 5 साल में, जरा एक भी काम बताएं कि बांदा में बीजेपी द्वारा कौन सा काम जो शुरू किया गया हो, जो बीजेपी ने शुरू किया हो, वो समाजवादी पार्टी के कामों को अपना बता करके जो अपने वाही वाही लूटना चाहते हैं, ये नहीं जो बीजेपी ने किया वो बताए, एक भी काम बताए बीजेपी। दादा है, बहुत बहुत स्वागत आपका, वरिष्ठ लोगों की मौजूदगी है, क्या आपको लगता है? पहले तो अपना नाम बताए और परिचय दें। मेरा मुशीर अहमद फारूकी नाम है, मैं जिला अल्पसंख्यक सभा का समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हूँ और बांदा से लेके पूरे उत्तर प्रदेश में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा से कि हमारे मुसलमानों के पाकिस्तान के नाम पर कब तक वोट मांगोगे? 80-20 नहीं, पूरा हिंदुस्तान एकजुट है और एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को इस बार जिताने का फैसला कर लिया। बीजेपी ने काम नहीं किए, काम किसने किए? काम पर राजनीति हो रही है। 5 साल में जैसा प्रदेश छोड़ा था वैसा मिला नहीं, समाजवादी का यह मानना है। योगी सरकार, योगी सीएम योगी आदित्यनाथ की पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम हमने किए हैं, काम को लेकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस के पास चलेंगे, हमारे साथ राजेश दीक्षित, एक बार जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका सहारा समय पर। राजेश जी पूर्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, कांग्रेस इस बार मैदान में है, बांदा के किन प्रमुख मुद्दों के साथ कांग्रेस इस बार मैदान? देखिए, बांदा की सबसे बड़ी समस्या, हमारा बांदा पिछड़ा क्षेत्र से आता है, यहाँ पर रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। आज भाजपा के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं और ये डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहती है, एक तो बता दे कोई रोजगार बांदा में लगा हो, सिर्फ नाम बदलने से काम नहीं हो जाता। भगवान बांदेव दबाव, अरे क्या है,
तुम्हारे मस्जिद मंदिर और पाकिस्तान हिंदुस्तान के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है और लिए फीता काटते घूमते हो। एक काम बता दो, कौन से रोजगारों को काम मिला है? बीजेपी के युवा मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के युवा मौजूद है। जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिए, जवाब लूंगा मैं जल्दी से। बांदा में लगा हुआ रोजगार भी कांग्रेस सरकार। राजेश दीक्षित जी मैं आपसे चाहूंगा अपने समर्थकों को आप शांत कराएं। जवाब, सवाल और जवाब की राजनीति। आज का युवा बहुत पढ़ा लिखा है, वरिष्ठ बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, सोशल मीडिया पर खेल रहे हैं, काम करते हैं तो आका है, नहीं तो आप समझ जाइए कौन है। ठीक है, जल्दी से नाम। निशांत खैरा। क्या है, क्या काम किया बीजेपी ने आप बताइए, कांग्रेस को जवाब दीजिए। बीजेपी ने धरातल में सारे काम किए हैं, जमीनी स्तर पे, भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पे काम किए हैं, और जो काम बोलता है उसका कारनामे नहीं बोल। मेरी बात एक एक करके पूरे हर व्यक्ति से मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर नहीं सुनेंगे एक घंटा निकल जाएगा, एक घंटे का ये प्रोग्राम है चुनावी दंगल, एक एक करके नहीं सुन पाएंगे मतलब नहीं है। चिल्लाएंगे आप 23 फरवरी को, ईवीएम पर चिल्लाइए। किसान बीमा योजना दी है, हर एक किसान के खाते में सीधा पैसा गया है, हर गरीब को उसको आवास दिया है, निराश्रित जिसके सर पे छत नहीं है, जिसके घर में खाने को नहीं है, तेल दिया है, आटा दिया है, राशन दिया है, किस सरकार ने दिया है? ठीक है, एक एक करके। बीएसपी से बहुजन समाज पार्टी, आप लोग लड़ाई में है, तिलवारी से आप प्रत्याशी हैं और नाम विजयकरण है, माफ कीजिएगा जयराम सिंह है, तिलवारी से नहीं है। बैठ के जीते हैं। बांदा का अगर विकास आजादी के बाद आज तक हुआ है तो ये सभी लोग बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने किया है। 2007 से 12 के बीच में बांदा में अब जो भी देखेंगे, जो भी विकास देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ बीएसपी ने किया है, इसके अलावा किसी ने किया। बीएसपी के मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि विश्वविद्यालय, बड़े बड़े पुल, चौड़े चौड़े रोड, तमाम नदियों पुल, रिंग रोड, महामाया आवास, आज तक जो हमारे अधूरे काम है जो रह गए थे ना, तो समाजवादी पार्टी सरकार ने पूरे किए। एक भी मायावती जी की रैलियां नहीं हो पाई है, आचार संहिता लग गई। सुनिए ना, ना बीजेपी की सरकार पूरी कर रहा, हमारे यहाँ का रिंग रोड है टूटा पड़ा है, जहाँ अच्छा था वहाँ बन गया, जो चौड़ीकरण के डबल रोड थे यहाँ से लेकर लखनऊ जाने के लिए। ठीक है, आपने योजना गिना दी, एक एक करके आएंगे आपके पास लौटेंगे, लेकिन लोगों से बातचीत करना है, तमाम बहुत लोग मौजूद है, बीजेपी के युवा बहुत ज्यादा प्रयास जानने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत तेजी से चिल्ला रहे हैं, आवाज आप कर रहे, बताएं किस पार्टी को सपोर्ट? मैं समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि एक छात्र हूं और छात्र नौजवानों को जब ये लखनऊ पहुंचे तो हर बार डंडे मारने का काम किया है, और जब इनसे नसीहत मांगी गई, कि कैसे रोजगार मिलेगा, तो इन लोगों ने रोजों के नाम पर इन लोगों ने ये इसी तरह हल्ला मचाने का काम करते हैं, ये इसी तरह हल्ला मचाने का काम करते हैं, आवाज दबाने का काम करते हैं। आप लोग एक एक करके प्लीज, ऐसे प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। ऐसे आप लोगों ने चिल्लाया, आप लोगों के पास में नहीं आऊंगा, ऐसे प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, ऐसे एक एक करके मैं नहीं देते। मेरी बात सुनिए, बीजेपी आखिर क्यों चिल्ला रही है? नहीं, क्यों आप लोग चिल्ला रहे योगी एक एक करके लौट रहा हूँ। जवाब पकौड़े तलने तलवाने काम कर दिया, और मैं इनसे सवाल पूछता हूँ बांदा को लेकर के। आप लोग त्रिपाठी जी आप लोग अपने समर्थकों को उठकर शांत करा दीजिए, प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, प्लीज आप नेता है, प्लीज ओके, आप पहले शांत हो जाइए, इसलिए आए हैं, आप बैठ जाइए, आप बैठिए कुर्सी पर, बैठिए अपनी कुर्सी पर, बैठिए कुर्सी पर, बैठिए कुर्सी पर, बैठिए कुर्सी पर, बैठिए एक एक करके आपका सवाल हो जाएगा, मैं आ जाऊंगा, आप बातचीत नहीं कर पाएंगे बीजेपी का। जी भैया, जिनके पास करने को कुछ नहीं होता, वो सिर्फ चिल्लाने का ही काम करते। आप अपनी बताइए, 5 साल में क्या? 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बांदा, जी बांदा, दिनेश सिंह गौतम मेरा नाम है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, और एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मुझको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी काम किया सिर्फ धरातल में किया है, चाहे वो योजनाएं बता रहा हूँ, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे शौचालय हो, चाहे हर घर बिजली हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने की। हाँ, तो भाजपा के प्रधानमंत्री, आप लोग आपस में डिबेट करेंगे, मैं क्या हूँ, मैं एंकर हूँ, आप लोगों के बीच का माध्यम हूँ, प्लीज शांत हो जाइए, समय निकल जाएगा, बातचीत नहीं हो पाएगी। आप जनता के बीच में जाइए। ठीक है, आपने शौचालय बना दी, आपके दूसरे लोगों के साथ क्या नाम? संदीप द्विवेदी नाम है मेरा,
मैं अभी जो अपने आप को छात्र बता रहे थे उनके बात का जवाब दे दूं, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता छात्र के जो रूप में आप बोल रहे थे, और उनको उनको मैं ये बता देना चाहता हूँ जो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग बेरोजगार हो गए, तो उनसे पूछना था 2017 से पहले वो कौन से पीसीएस थे, ठीक है, कौन से पीसीएस थे 2017 से पहले जो पीसीएस का पेपर हुआ था, तो उनके एक जाति के 32 लोग हुए थे, 42 में से 32 लोग नहीं, मजबूरी, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब किसान 100 सीटों की काम, भारतीय आपका नाम क्या है, आपका नाम राव सिन्हा, आप समाजवादी से हैं, आपके मैं नेता से भाई साहब इनको शांत करा लीजिए, मैं आग्रह कर चुका हूँ प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, प्लीज मैं, आपने बात रखी ना, रखी है, एक घंटे आपके पास माइक लेके आ जाऊंगा, मैं फिर से आ जाऊंगा, शांत रहिए, आप लोगों को प्रोग्राम नहीं चाहिए, एक घंटे चिल्लाते रहिए, हम लोग चले जाएंगे, कुछ नहीं है, एक एक करके प्लीज बात कर लीजिएगा, आप लोग चिल्ला रहे हैं इसलिए युवाओं को बुलाया है। भारतीय जनता पार्टी का एक जो है समर्पित कार्यकर्ता हूं मैं, और जल्दी से, भारतीय जनता पार्टी ने गांव गरीब शोषित पीड़ित वंचितों का के लिए जो है आर्थिक रूप से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, और सारी योजनाएं गांव गरीब किसान शोषित वंचितों के लिए बनाई गई है, ठीक है, तमाम महिलाओं की मौजूदगी है, शांति से एक एक करके आ रहा हूं, एक एक करके शांत, जल्दी से, मैडम क्या नाम, पूनम गुप्ता, तेजी से बोलिए, पूनम गुप्ता, क्या यहाँ पर जो मुद्दा है, चुनावी माहौल है, किन मुद्दों के आधार पर इस बार आप लोग वोट करेंगी, प्रियंका गांधी मैदान में है, आप लोगों के साथ कह रहे हैं कि लड़की हूँ इस बार मुझे लड़ाइए, जल्दी से, हम तो मोदी सरकार, मोदी सरकार, जल्दी से, क्या मुद्दे, इन मुद्दों के आधार पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं जी, बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि गरीबों को आवास मिला, घर घर बिजली, राशन पानी मुफ्त मिल रहा है लोगों को, सबसे ज्यादा गरीब महिलाओं को रोजगार, ठीक है, जल्दी से, क्या नाम, रूपा चौहान, क्या लग रहा है आपको इस बार चुनाव में बांदा के मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा या बड़े चेहरे, बड़े चेहरे कोई नहीं, योगी और मोदी, एक एक करके तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन समझने की आखिरकार कोशिश करेंगे कि क्या बांदा बदला है, क्या बांदा बदला है, और भी लोग मौजूद है, एक एक करके जल्दी से, नाम क्या, मेरा नाम साजिश सौदागर, योजन सभा जिला अध्यक्ष प्रसपा, प्रसपा से राजा भैया की पार्टी, नहीं नहीं शिवपाल जी की, शिवपाल जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से फेल है, 10 महीने किसानों का आंदोलन, आज सीटें आपको पता है कितनी मिल रही है, अभी सीटों का कोई मामला नहीं है, मामला हो रहा है, अभी जब हो जाएगा जब फाइनल हो जाएगा, समाजवादी पार्टी 300 क्रॉस कर रही है, इसका पब्लिक जान रही है, रैली में सभाओं में देखने को मिल रहा है, दिल्ली मंत्री विधायक वापसी कैसे आ रही है ये पूरी जनता जान रही है, जनता अपनी मन बता चुकी है भाजपा जनता पार्टी को निकाल फेंकने, ठीक है, बैठ जाइए जल्दी से, क्या नाम आपका, मनोज जैन, मनोज जी क्या लग रहा है आपको व्यापार मंडल से, क्या बांदा विकास के आधार पर व्यापार के जरिए आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, बांदा कानपुर के बाद ऐसा माना जाता है कि सोने के लिए बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा व्यापार, 100% व्यापार बढ़ा हुआ है, इस सरकार से खुश है, बहुत खुश है, गुंडा राज की समाप्ति है, जो पहले माफियाओं का रास्ता वो भी बिल्कुल नहीं है, जो तो सब लोग निश्चिंतता के साथ व्यापार हो रहा है, GST जब से लागू हुआ है उससे भी व्यापारियों की समस्याएं हल हुई हैं, ठीक है, तमाम लोग अपनी बात रखी, डॉक्टर अभय प्रताप सिंह, डॉक्टर अभय जी आपको क्या लग रहा है इस सरकार में, 5 साल की सरकार में क्या स्थिति हुई, बातचीत आपने कर ली ना, बहुत लोग हैं, आपने बातचीत कर ली ना, नहीं दो दो नहीं नहीं एक एक कहां माइक दे रहे, एक यहाँ हिंदू बनाम पाकिस्तान नहीं, प्लीज जल्दी, मैं एक मिनट, जय श्री राम के नारे से क्या होगा, क्या होगा, आप लोगों ने चिल्लाया ना अभी, क्या हो जाएगा, मैं आ रहा हूँ आप लोग अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, मैं आऊंगा आपके पास, शांत हो जाइए प्लीज, शांत रहो, मैं आ रहा हूँ आपके पास, चिल्लाइए, मैं आपको केवल इतना बताना, आप लोगों के पास आएंगे नहीं, मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूं कि योगी की सरकार में ये ऑन द रिकॉर्ड है कि 6.5 लाख से ज्यादा नौकरियां 4.5 वर्ष में दी जा चुकी थी,
3.5 लाख सरकारी नौकरियां, उसके बाद संविदा नौकरियां, कांग्रेस बीएसपी का सपा का आप कार्यकाल निकाल ले, दोगुनी चौगुनी नौकरियां, 7 लाख करीब नौकरियां 5 साल में युवाओं को योगी सरकार ने दी है। ये युवाओं की चिंता करने वाली सरकार है उसका जवाब। और योगी सरकार ने जो कहा है, योगी सरकार ने जो कहा कि 80-20 की लड़ाई है, 80% सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी 325 सीटें सहयोगी दलों के साथ जीतकर ऑलरेडी योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अभी सत्तासीन है और आने वाले टाइम में भी वो 80% जीतकर ठीक है बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर युवाओं की नौकरी के लिए पार्टी के पक्ष का जल्दी से क्या नाम? मैं बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पे पूर्व महासचिव विधानसभा बहुत जल्दी प्रजापति आलोक दक्ष। बहुजन समाज पार्टी का 2007 से 2012 का कार्यकाल चीख चीख के गवाही देता है कि बांदा में जो वर्तमान में जो भी दिख रहा है विकास दिख रहा है वो देन है, बहुजन समाज पार्टी की बहन महाराज की देन है। और आपका रह गया सवाल युवाओं का, रोजगारों का। माननीय हमारे नेताजी ने कहा कि जितना भी रिकॉर्ड है ऑन रिकॉर्ड है सारा युवा जो भी रोजगार मिला है वो सिर्फ रिकॉर्ड पर है, जमीन पर युवाओं को कोई रोजगार नहीं दिया गया। ठीक है एक एक करके जल्दी से नाम बताइए। मेरा नाम इरफान अली है। इरफान बताओ यहाँ पर जो विकास हो रहा है क्या लोग खुश हैं? 5 साल आप खुश हैं? नहीं, एक कोई विकास बता दो जो जमीन पर हुआ हो। बता रहे हैं कि व्यापार के मामले में यहाँ पर बिजनेस में बहुत आगे बढ़ा है। जब से जीएसटी लग गई और ये नोटबंदी हुई तो छोटे तबके का व्यापारी प्लस मजदूर वर्ग ये खत्म हो गया है, ये बिल्कुल एकदम खत्म हो गया है। अब कागजी या फर्जी कहना है कि व्यापार बढ़ा हुआ है ये सब गलत चीजें, छोटे छोटे व्यापारी जो है खत्म हो चुके हैं। जीएसटी को लेकर नाराजगी है और भी लोग मौजूद है। दादा क्या नाम? चंद्रशेखर सिंह एडवोकेट। क्या हाल चाल है? माहौल बढ़िया है चुनाव? भैया किसान हूँ, सब गौ माता खा गई, कुछ भी नहीं बचा। ओला ओला वृष्टि पानी आनी गिरा है, बरसात कुछ नहीं मिलता। बारिश के कारण आपको बता रहे कि जो यहाँ पर चेकें वितरित होती थी सूखा रहा है, बीजेपी की में हुई है? नहीं हुई, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ और न होगा। ठीक है एक एक करके। हाँ आपकी पार्टी प्रगतिशील से? प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से मैं अंकित अम्बेडकर, छात्र सभा जिला अध्यक्ष। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो सभी पदाधिकारी बहुत जल्दी बताऊंगा कि जो बैठे हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी अपना ये बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रही है कि फर्क साफ है, 2017 के पहले हमारे जो समाजवादी पार्टी की जो टोपियां लाल टोपी कार्टूनी तौर पे लगा के बता रहे कि जो 2017 के पहले बेटियां बहने बेटियां जो सुरक्षित थी और 2017 के बाद जो एक कार्टूनी तौर पे महिला पुलिस खड़ी करके दो गुंडे पकड़ा करके बगल में खड़ी कर देती है और बड़े बड़े पोस्टर चौराहे में लगवा रही है। तो मैं एक जवाब उनको बताना चाहता हूँ कि यही अभी बिहार के वैशाली में 20 वर्षीय दलित महिला को अभी हाल ही का कांड हुआ है। 20 वर्षीय बिहार का मुद्दा नहीं, बिहार का नहीं, बिहार का मुद्दा नहीं। ठीक है बात हो गई। ठीक है आपका सवाल हो गया। आपकी बात हो, मेरी बात सुनिए बहुत जल्द। आज जो ये हूटिंग कर रहे हैं इनको बताइए कि सरकार बदलने वाली है। इनको बताइए ये हूटिंगे खत्म हो जाएंगी। बेहतर प्रोग्राम को बिगाड़ रहे हैं और शायद आप बहुत चिल्ला रहे हैं। युवाओं को शांत कराने का आपका जिम्मा होना चाहिए, बहुत तिलक लगाए बैठे हैं। क्या बोलेंगे 5 साल की होगी सरकार में? और प्लीज आपसे आग्रह करूंगा अपने समर्थकों को शांत कराएं। बीजेपी बहुत चिल्ला रही है सरकार 10 मार्च को पता चल जाएगी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सर जैसे कि ये कुछ कथा कथित नेता जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो महिलाओं को सम्मान मिला और ये मिला, आज जब सरकार नहीं है, जब माननीय अखिलेश यादव गली गली वोट मांगने जा रहे हैं और उसी के दौरान जब किसी पत्रकार बंधु कोई मीडिया की अच्छी पड़ी पत्रकारिता जब उनसे डिबेट करती है तो उन पत्रकारिता की वो बेइज्जती करते हैं लाइव में आकर, वो सब पूरे ठीक है। एक एक करके महिलाओं के सम्मान पर आपने बात की है, जल्दी से क्या एक बार फिर भाजपा सरकार क्या मुद्दे क्या है, क्या किया है? बहुत कुछ किया भाजपा ने, जो अंडा उसको नहीं दिखता कभी। प्लीज शांत रहिए, आपकी सवाल हो गए। ठीक है एक एक करके कुछ युवा साथी हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम आपका? विनय कैसे गुप्ता। क्या लग रहा है इस बार गुप्ता जी आपको, माहौल क्या है, कितनी उम्र है? मेरी उम्र 18 साल है। 18 साल वोटर हो गए? जी भाई। क्या है बीजेपी सपा प्रियंका भाजपा? क्यों भाजपा? इस बार दोबारा से भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ प्रदेश में आएगी। ठीक है एक एक करके और लोगों से भी सवाल लगे, जल्दी से नाम। मैं भाजपा की सरकार की नीतियों से, योगी जी की नीतियों से, मोदी जी की नीतियों से, बांदा अपने सदर विधायक जी से, मैं उनके सारे कार्यों से बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस बार प्रदेश में और बांदा सदर में भाजपा की सरकार बने।
तमाम लोगों की मौजूदगी है, तमाम बहुत से लोग मौजूद हैं जिनसे हमें समझने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या होगा। एक एक करके प्लीज मैडम बैठिए, एक एक करके आप शांत नहीं होंगे, आप शांत नहीं, आप शांत कराइए ना, प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। आप एक एक करके प्लीज मेरी बात ही नहीं सुना, एक एक करके। त्रिपाठी जी, मैं आपसे चाहूंगा आप हाथ जोड़कर पहले लोगों को शांत करा दें, प्लीज आपके नेता, प्लीज आप शांत करा दें। बीजेपी बहुत चिल्ला रही है, बीजेपी बहुत चिल्ला रही है, प्लीज एक एक करके। सभी लोगों से आग्रह है, चूंकि हम लोग राष्ट्रीय चैनल पर बात कर रहे हैं, भैया सभी लोग शांत जाओ, ए जीपीसीपी, ए शांत जाओ। आप लोग शांत नहीं होंगे, प्रोग्राम नहीं होगा, आप बहुत चिल्ला रहे हैं, मैं आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूँ शांत करा दीजिए। मैं आपके नेता से पुष्पा प्रगतिशील एक एक करके विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, लोगों की बात सामने नहीं आ पा रही, एक एक करके शांत हो जाएगी, शांत हो जाओ। 30 मिनट प्लीज, 30 मिनट, 30 मिनट के बाद वार्ता कर लेना प्लीज, एक एक करके। मैडम जल्दी है, क्या नाम, जल्दी, ये लोग चंदा चोर है, बात महिलाओं की करते हैं कि तीन तलाक खत्म करी, तीन तलाक का अर्थ भी ना जानते हो। आप सुनेंगे तो जवाब दे देंगे, बहुत अच्छा होगा। तार्किक नहीं, ये बैठे हैं पीछे, तीन तलाक की बात करते हैं कि तीन तलाक खत्म करी, तीन तलाक का अर्थ भी ना जानते होंगे। सबसे पहले हम मोदी जी से सवाल करते हैं कि जो उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा, किस बेस पे छोड़ा। लड़ाई लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा के साथ प्रियंका मैदान में कैसे है आप लोग, हम लोग पूरी तरह से जो 40% महिलाओं को टिकट, आधी आबादी होती है और जो महिलाएं जिसमें सशक्त होती हैं, इसलिए हम लोग पूरी तरह से हम लोग सत्ता पे काबिज होंगे। इस बार टिकट को लेकर यहाँ पर भी बहुत ज्यादा संघर्ष हो रहा है कांग्रेस में, तो संघर्ष तो होता है और जिसको टिकट मिल जाएगा हम लोग उसके साथ लग जाएंगे। राजेश जी, टिकट को लेकर बहुत संघर्ष कांग्रेस, देखिए ये संघर्ष होता है, आदमी जब मजबूत, जहाँ मजबूती होती है संघर्ष वही होता है। कांग्रेस हमारी इस समय आप देख रहे हैं, कांग्रेस से टिकट मांगने वालों की लाइन लगी हुई है और संघर्ष वही होता है जहां मजबूती होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल हो रहे हैं, बीजेपी से आपके नेता से सवाल जवाब यही देंगे, एक एक करके जल्दी से आप बैठ कर बोलिए। मेरा ये कहने का आपसे मतलब है, सूखा राहत की चेक यहाँ पर आपकी सरकार ने नहीं दी है जी, समाजवादी कोई एक चेक दिखा सकता है, कोई ऐसा पात्र व्यक्ति पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी जवाबदेही के साथ ये जो बात कर रहे हैं तीनों राजनीतिक दलों के लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ। बहन जी अभी महिला सम्मान की बात कर रही थी, ये वही बांदा है जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो बहुजन समाज पार्टी का सिटिंग एमएलए ने एक दलित किशोरी के साथ क्या किया था पूरा बांदा जानता है, ये वही का नाम ले रहे हैं आप, किसका नाम, समाजवादी पार्टी की सरकार, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप समाजवादी पार्टी की सरकार में, ठीक है, बांदा की लड़की का गायत्री प्रजापति अभी भी आप बलात्कार के मामले में जेल में है। मैं इस मंच के माध्यम से सभी चुनौती देता हूँ, सिंगल कोई आदमी अगर लाभार्थी न हो उस उत्तर प्रदेश की सरकार का, 100% लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लाभ पाए हुए लोग हैं। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे, तमाम लोग, आपकी बात हो गई, रेप को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, बच्चियों की रेप की स्थिति क्या है इस वक्त देख पा रहे, बहुत सीनियर लोग मौजूद है उनसे बातचीत, दादा क्या नाम बताइए, नाम क्या है और क्या बांदा का चुनाव स्थानीय मुद्दों के आधार पर हो गया। तो आपको पता है कि एक विधायक आपके जिले से छोड़ चुके हैं पार्टी और कहां शामिल हुए आपको भी पता है। मेरा नाम रमेश चंद दुबे है और मैं रिटायर्ड अपर मुख्य अधिकारी हूं और स्नातक का मैं चुनाव लड़ चुका हूं परिषद एमएलसी वाला। चुनाव जो है स्थानीय मुद्दों पर ही होगा, आप ये मुझको लोग बता दें कि पिछले कोरोना काल में जिस घर के परिवार से लोग मरे हैं दवाओं के अभाव से, ऑक्सीजन के अभाव से और अस्पतालों में बेड न होने के अभाव से मरे हैं, वो अपनी दुख दर्द को कैसे भूल सकते हैं और किस आधार पर जो शांत रहेंगे मैं उनके पास आऊंगा, आप चिल्लाने रहिए, जो शांत रहेंगे मैं उनके पास आऊंगा। आप बताइए, जिनके परिवार से लोग गए हुए हैं, जिनके परिवार से लोगों की मृत्यु हुई है, जो दवाओं के अभाव से परेशान हुए हैं, आपके कोरोना को लेकर वरिष्ठ सम्मानीय व्यक्ति हैं और उन्होंने उठाया है कि आखिरकार क्या व्यवस्था बीजेपी में रही,
एक एक करके समाजवादी समाज एक एक करके एक एक कर एक एक आप लोग आइए चुनावी दंगल 2022 में बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फॉर लौटते हैं। खुली आंखों से एक सपना देखा था कि हिंदुस्तान के कोने कोने में हर बच्चे को बेहतर से बेहतर शिक्षा का जरिया मिले। हिंदुस्तान बढ़े तो फिर सम्मान बढ़े। इस खूबसूरत सपने को हकीकत में लाने के लिए सारा इंडिया परिवार एडिनबर्ग के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में उत्तम शिक्षा पहुंचाने का संकल्प ले रहा है। एडिनगुरु जल्द आ रहा है सिर्फ सहारा न्यूज नेटवर्क पर। हमसे संपर्क करने के लिए टोल फ्री नंबर पर कॉल करें 1800-891-2868 या लॉग इन करें www.edinguru.com। एडन गुरु भारत का सबसे बड़ा डिजिटल एजुकेशन यूनिवर्सिटी। हिंदुस्तान बढ़े। सियासत हो, शिक्षा हो या हो आपके स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा, चुनाव, भ्रष्टाचार, अपराध से लेकर कानून व्यवस्था, संसद के गलियारे से लेकर आपके शहर और देश की सरहद तक की हर खबर के लिए देखिए मेरे यानी भूपेश कोहली के साथ सारा देश सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ सहारा समय पर। स्वागत है आपका चुनावी दंगल 2022। आप लगातार बांदा के साथ मेरे साथ देख रहे हैं। बहुत शोर हंगामे के बीच हम कैसे प्रोग्राम कर पा रहे हैं, तस्वीरें आप देखिए, शांत फिर भी नहीं हो रहे। समाजवादी पार्टी प्लीज मैं आ रहा हूं लेकिन इस वादे के साथ कि प्लीज शांत रहिए, एक करके आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, आपके और लोग बोलेंगे जल्दी से। देखिए 2022 में चुनाव होने जा रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता न हिंदू मुसलमान न पाकिस्तान के नाम पे वोट नहीं देगी। पिछले 5.5 वर्ष उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ माँ बहन बेटी बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ है उसको देख के वोट करेंगे। बुंदेलखंड ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। 10 मार्च भाजपा साहब ये बात करते हैं कि दूसरों का विकास, अपने कैबिनेट मंत्री नहीं रोक पा रहे हैं, अपने विधायक नहीं रोक पा रहे हैं। 10 मार्च को आप रिजल्ट देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ठीक है, जल्दी से दादा, जल्दी से हम बोलेंगे। अभी माननीय महोदय जी ने कहा कोरोना काल के लिए, इस समय कोरोना के चलते 2020 और 21 में बांदा की धरती पर जितना बेहतर हम लोगों ने सेवा किया है, लंच पैकेट बंटवाना, वितरण राशन कार्ड बंटवाना, ये ठीक है क्या? एक मिनट, सभी लोग शांत रहे। अरे रुक जाइए भाई, सभी लोग शांत रहिए। जी मैं बताना चाहता हूँ, अरे एक बार शांत रहे सब लोग, अमर जी शांत रहे। मेरा नाम पीसी पटेल, जनसेवक है, बेहतर सुनेंगे, बेहतर जवाब मिलेगा। शायद ये प्रोग्राम है सबसे अच्छा प्रोग्राम मैं चाहता था लेकिन अभी तक ऐसे संकेत नहीं मिले हैं। मैं आप लोग खड़े होकर अपनी पार्टी के लोगों को समझाएं, ये शालीनता नहीं है, ये नया भारत नहीं है।
ये नया भारत नहीं है, युवा, वो युवा जो अपने आप वो मोदी योगी के नाम पर चिल्ला रहे, प्लीज शांत हो जाइए आप लोग, थोड़ी शर्मिंदगी करिए। बहुत बेहतर प्रोग्राम चाहता था जिसके 35 मिनट बाद भी संकेत नहीं मिल रहे हैं। अब सुनिए, अब सुनिए, 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 शांत हो जाइए आप लोग शांत हो जाइए, बातचीत हो जी जी जी। मेरा नाम पीसी पटेल जनसेवक है और इस जनपद में हर एक पार्टी के लोग, हर एक कार्यकर्ता, सभी लोग जानते हैं कि हम दिन रात सेवा करते हैं। मैं किसी पार्टी का पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करूंगा। 2017 से 22 तक योगी सरकार में तमाम तरह के, देखिए, मूलभूत समस्याओं को लेकर के यहाँ पर तमाम तरह की जन कल्याण योजना निकाली गई, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन ये बात को मैं कहना चाहता हूँ खुले मंच से, एक समाज सेवी कह रहा है, सुन लीजिए। अब यही तो है, वो सुनने नहीं देंगे, आप लोग चिल्ला देंगे। सुन लीजिए, जो मैं एक समाज सेवी के नाते बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। योजनाएं चली लेकिन नौकरशाहियों को योगी सरकार ने बढ़ावा दिया है, नौकरशाहियों के कारण जमीन पर वो योजनाएं उतरी नहीं है, इसका जवाब आपका सवाल हो गया। ठीक है, एक करके जल्दी से। हाँ, मैं बीजेपी वाले भाइयों से ये जानना चाहता हूँ कि आज भ्रष्टाचार तो है ही है, लेकिन महंगाई मेन मुद्दा है। आज त्योहार का टाइम है, त्योहार का दिन है, लेकिन आज पार्टी कितने घरों में पकवान बना होगा, ये भी उनके जाके गरीबों से जाके पूछिए, कितने घरों में आज अंधेरा। ठीक है, जल्दी से भाई, समझ गया मैं, समझ। ये लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, ये हिंदुत्व की बात करते हैं। एक दलित महिला आधी रात को दुबई जला दी गई, वो क्या हिंदू नहीं थी? ये हिंदुत्व की बात करते हैं, दो रात को एक दलित महिला बेटी जला दी गई जिंदा, 2 बजे रात को, क्या वो हिंदू नहीं थी? ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। ठीक है, एक एक करके इसका जवाब लेने, आप जवाब। भैया, आपके नेता सारे में न बात करें, इनकी समाजवादी पार्टी का खनन मंत्री बांदा की बिटिया की अस्मृति लूटने के चक्कर में जेल में है। विकास की बात करते मैं कैमरा मैन से कहूंगा इसको फोकस करके दिखाइए, बांदा में किए गए कार्य सारे आम रिकॉर्ड है। बसपा की जो बात करते हैं कि बसपा के समय काम किए गए, वो सब लोग बसपा से आज निष्कासित और जेलों पर है। भारतीय जनता पार्टी के वंश में स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, अब सफाई में नाच देखने को नहीं मिलेगा। अब बाबा विश्वनाथ की जो बम समाजवादी दादा, बहुत देर से दादा, क्या नाम आपका? शिव सागर यादव। आपको क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव है, क्या देख पा रहे हैं समाजवादी बीजेपी के इतर बांदा का विकास के मुद्दे? बांदा का ये विकास बीजेपी ने किया। एक मिनट, आप लोगों को हल्ला मचाना है, प्रगति इसीलिए यहाँ आ गई। प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाइए। ये कह रहा हूँ जल्दी से, बीजेपी ने ये विकास किया है, सुनिए, कि नरेनी में जो है 150 गाय दबा दिया है, न राम के है न गाय के है, ये किसी के नहीं है, 3000 युवक। एक एक करके जल्दी से सवाल जितने जल्दी हो जाएंगे बहुत बेहतर। देखिए, सत्ता पे काबिज बीजेपी है, सवाल सत्ता से किए जाते हैं, विपक्ष से नहीं किए। बिल्कुल ठीक है, यहाँ के विकास के सवाल में, विकास की बात करिए ना, किसी और चीज की बात मत करिए, सवाल विकास, सत्ता पे काबिज क्या विकास किया है, धरातल में क्या है, वो कुछ नहीं है। जो भी हो रहा है पोस्टर में हो रहा है, पोस्टर के अलावा किसी चीज में नहीं हो रहा है। रही बात आप किस पार्टी, मैं कांग्रेस से हूँ और मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ शांति के तरीके से। देखिए, बहुत बेहतर शालीनता के साथ भाई साहब बात रखे, सुनिए। बांदा में जो मूल कार्य होता है वो किसानी का होता है, और किसानों के साथ जो हुआ वो सबने देखा है। आप मेरे ऊपर आरोप है, जिला अध्यक्ष से पूछिए, इनसे पूछिए, दादा से, किन लोगों से बातचीत, जल्दी से एक एक कर। ये राम की बात कर रहे हैं, देखिए ये आपसे बातचीत हो गई, आप शांत रहिए, आप शांत। ये राम की बात कर रहे हैं भाई साहब, ये राम की बात कर रहे हैं। बांदा के नरेनी में 300 गाय जिंदा दफन कर दी गई, 300 जिंदा गाय दफन कर दी गई, उनके अधिकार, शांत रहो। शासन प्रशासन के कितने लोग हटाए गए और कौन जिम्मेदार है, इसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी ने किया कि नहीं किया, इनसे सवाल है। समाजवादी की 3 योजना तुम बड़ा बहुत बोल, समाजवादी पार्टी की रिवर फ्रंट और समाजवादी पार्टी में जो आपने मेट्रो देखी वो देने का अखिलेश यादव जी की सोच, साइकिल ट्रैक बनाने से लेकर के मेट्रो और हाईवे बनाने तक की सोच है। और बीजेपी आप लोग इस बार क्या श्री राम के आश्रय ही सिर्फ मैदान में है? नारे हम
हम राम के साथ विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे और समाजवादी पार्टी बसपा के धरातल मिट चुकी है, खत्म है धरातल, जमीनी हकीकत बची नहीं है। अभी चित्रा जी से पत्रकारों से बदतमीजी की सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, तो आपको पता है कि इनका ठीक है बहुत क्या है बात विकास की ठीक है ठीक है। एक एक करके और लोग भी मौजूद है हमारे साथ और सीनियर वर्ष लोगों से मौजूद है। दादा को सुनेंगे क्या है आपका चुनावी। ऐसा है साहब की मैं जो है बांदा जनपद का केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और व्यापार मंडल का सचिव हूँ। बांदा में जो सिचुएशन है, हमारे सरकार ने जो कार्य किए हैं, जीएसटी जो लगाया, जीएसटी की वजह से जितना भी राजस्व वसूल हुआ उसके हिसाब से जो इनकी प्लानिंग है गवर्नमेंट की, उसके हिसाब से तो ये बहुत सही है। जो स्थितियां हैं और जो भी व्यापारिक स्थितियां हैं बहुत मजबूत हुई। ठीक है, व्यापार के लोग समर्थित कर रहे हैं, व्यापारी लोग समर्थित कर रहे हैं, लेकिन क्या अपने आप में व्यापारियों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तमाम लोग जल्दी से। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, जिला कांग्रेस का। हम लोग देखिए गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हम लोग उपद्रवी नहीं है। पहली चीज, इन लोगों को खिसियानी बिल्ली खम्भा जैसे नोचे वाली बात कर रहे हैं। इन लोगों को सबसे पहले सहारा समय से माफी मांगनी चाहिए कि उदंडता जिस तरह से दिखा रहे हैं। इन्होंने किया कहा है गाय और गंगा की राजनीति करने वाले जिंदा गाय पहाड़ी खेरा में दफन। कांग्रेस दादा, कांग्रेस की आपने केंद्र में सरकार देखी है, क्या एक बार फिर से कांग्रेस कैसे मैदान? कांग्रेस ने जो विकास किया आज तक किसी ने नहीं किया है। ये भाजपा पार्टी पैसा ले मारो ठोको भाग जाओ, कांग्रेस विकास की पार्टी है। बहुत जल्दी से दादा, क्या महंगाई 90 रुपए किलो तेल था, आज 200 रुपए है। पब्लिक मर रही है महंगाई से, इसका मुद्दा नहीं उठा रहे, इसका नहीं बता, इसीलिए संबंध महंगाई को लेकर। मैं आपका मैं सुनीता यादव प्रदेश सचिव हूँ, मैं बबेरू से आती हुई हूँ, बबेरू से मैं चुनाव भी लड़ रही हूँ, मैं बबेरू से आवेदक हूँ। और मेरे बबेरू में इतनी ज्यादा गरीबी है, गरीबी से लोग संघर्ष कर रहे हैं, लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो परिवार है जो अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा महंगाई, अगर गैस तो दे, सिलेंडर तो दे दिया। बालक है, समाजवादी को सपोर्ट कर रहा है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम हर्ष श्रीवास्तव है, मैं समाजवादी सपा से हूँ। आप जैसे कि जानते हैं कि कितनी उम्र है बेटा तुम्हारी? मेरी 10 साल उम्र है। 10 साल में क्यों अखिलेश भैया पसंद है? मैं इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ क्योंकि उनने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। क्या काम किए जल्दी से? उनने बहुत बच्चा सुन रहा, बच्चे को आप लोग बच्चे को नहीं सुन रहे हो। एक मिनट वो क्या है, आपके भी बच्चों को सुनते हैं। एक मिनट, मैं छोटा हूँ इसलिए मुझे दबाया जा रहा है। एक करके वो अगर आया है, एक एक करके मैं छोटा हूँ इसलिए मुझे दबाया जा रहा है। आप लोग शांत रहिए, त्रिपाठी जी आपसे ऐसे ऐसे नहीं है, प्लीज जल्दी से एक एक करके लोग बातचीत नहीं करने दे रहे हैं। शायद यही बुंदेलखंड है, लोगों से बातचीत, लोगों से पीछे से एक बातचीत। एक क्या है, एक क्या है, एक जल्दी सर, मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये आपकी बात हो, भारतीय जनता पार्टी बात हो, मैं कोई पार्टी ने काम नहीं किया, समाजवादी पार्टी की बात कर एक एक करके बात। देखो आप लोगों ने इस प्रोग्राम को आप लोग एक एक करके प्लीज तो
तमाम लोगों की मौजूदगी आप आगे क्यों करते नहीं सॉरी अरे बस यार जाइए मैं समाज सेवी सबीर सौदागर हूँ और महासचिव कांग्रेस पार्टी का इन लोग समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं बुंदेलखंड में आपको बता दूं जल्दी से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ अरे अरे एक सेकंड कम मेरे तो बोलने के आप इनको रोकिए मैं असमर्थ हूँ आप एक एक कर एक एक कर मैं समाज सेवी सबीर सौदागर हूँ और महासचिव हूँ कांग्रेस पार्टी का और आज जो है इनका जन्म जो है तो आपको बताने की स्थिति बहुत अलग है और अपने आप में बुंदेलखंड से आप देख रहे हैं तमाम सवाल जल्दी से विकास की बात कर रहा हूँ इन्होंने कहा कि बीजेपी ने विकास लोग घेरी है नहीं मैं बताना चाहता हूँ कि 80 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए लीटर 400 रुपए की गैस सिलेंडर 1000 की जल्दी आपकी बात होगी तो फिलहाल चुनावी दंगल 2022 में इतना ही आप देखते रहिए सहारा।